दोस्तों पति पत्नी के रिश्ते को बाकी रिश्तों से अलग माना गया है। इस रिश्ते में भरपूर प्रेम होता है तो कभी कभी तकरार भी। एक आदर्श पत्नी वही है जो अपने घर को हमेशा जोड़कर रखे। वही दूसरी ओर आदर्श पति हमेशा अपनी पत्नी को साथ लेकर चलता है और हमेशा उसका सम्मान करता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी पुरुष हैं जो ना सिर्फ पत्नी का तिरस्कार करते हैं बल्कि उन पर अत्याचार भी करते हैं, और ऐसे पुरुष के साथ पत्नी कभी खुश नहीं रह पाती। आज इस वीडियो में हम आपको महाज्ञानी विदुर के द्वारा बताए गए पुरुषों के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे जिनके साथ जीवन बिताना महिलाओं के लिए कष्टकारी होता है। अगर आप समय रहते इन लक्षणों को देखकर उन्हें पहचान लेते हैं तो ऐसे पुरुषों के साथ आपको कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। ऐसे पुरुषों के कुछ लक्षण बताए हैं जो अपनी पत्नी को कभी भी खुश नहीं रख पाते हैं। ऐसे में अगर इन लक्षणों को समय रहते देख लिया जाए तो आप इस तरह के रिश्ते में जाने से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन से हैं वो लक्षण जो कि आपको ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पति का अत्याचार सहने वाली स्त्रियों का जीवन वन में लगी आग के बीच फंसी हिरनी की तरह हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेर और समाज बैठा रहता है जो उसे खाना चाहता है, और इसी समाज रूपी शेर से बचने के लिए हिरनी अर्थात पत्नी हमेशा आग के बीच चलती रहती है। ऐसे में महिलाओं के लिए जरूरी है कि वह विवाह से पूर्व महान ज्ञानी विदुर द्वारा बताए गई ऐसे पुरुषों के लक्षणों को जरूर जाने। दोस्तों, दो व्यक्ति एक साथ तभी खुश रह सकते हैं जब उनके मन से मन की बातें मिले और उनकी बुद्धि से बुद्धि मिले। जब पति पत्नी एक दूसरे की विपरीत सोचते हैं तो वह साथ में कभी भी खुश नहीं रह सकते। ऐसे में स्त्री को ऐसे ही पुरुष से विवाह करना चाहिए जिसके उससे विचार मिलते हों। अच्छाई में बुराई देखने वाला पति। मित्रों, महाज्ञानी विदुर के अनुसार ऐसा पुरुष होता है जो हमेशा अच्छाई में भी बुराई ढूंढता है। उससे समाज में कोई भी खुश नहीं रह सकता, फिर चाहे उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। महाराज विदुर कहते हैं कि पत्नी चाहे पति को खुश रखने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, लेकिन ऐसे पति को अपनी पत्नी में 100 अच्छाइयां होने के बाद भी सिर्फ बुराइयां ही नजर आती हैं। ऐसे पुरुष हमेशा अपनी पत्नी का तिरस्कार करने में और पत्नी को बुरा भला कहने में लगे रहते हैं, और ऐसे पुरुष के साथ पत्नी कभी भी खुश नहीं रह सकती। उपहास उड़ाने वाले विदुर के अनुसार मूर्खों के सबसे बड़े दुर्गुण होते हैं। महाराज विदुर कहते हैं कि जो लोग दूसरों का उपहास उड़ाते हैं वह कभी भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाते। जैसे कि पुरुषों को सम्मान की लालसा होती है, वैसे ही महिलाएं भी सम्मान की हकदार होती हैं, और जो पुरुष अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते और बात बात पर उनका उपहास उड़ाते हैं, ऐसे पति से उनकी पत्नियां हमेशा दुखी रहती हैं। कड़वे बोलने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ते में नोक जोक होना तो आम बात है, और पति पत्नी के रिश्ते में भी मामूली झगड़े होते ही रहते हैं। लेकिन महात्मा विदुर के अनुसार क्रोध में आकर जो पति अपनी पत्नी से कड़वे वचन बोल देते हैं वह पुरुष स्त्री को खुश नहीं रख पाते। हमारे शास्त्रों में भी क्रोध पर नियंत्रण रखने के बारे में बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोधित व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रह पाता, और क्रोध में ना चाहते हुए भी वह सामने वाले से कटु वचन कह जाता है। ऐसे में हमें हमेशा क्रोध से बचना चाहिए, और विदुर नीति के अनुसार जो पुरुष झगड़े के बीच पति के माता पिता या उसके परिवार के बारे में गलत बोलता है ऐसे पुरुष स्त्री को कभी खुश नहीं रख सकते, क्योंकि जिस प्रकार एक पुरुष के लिए उसका परिवार सबसे पहले आता है वैसे ही स्त्रियों के लिए भी उनका परिवार भी होता है। और अगर कोई पुरुष स्त्री के परिवार के बारे में कटु शब्द बोलता है तो स्त्री ऐसे पुरुष को कभी माफ नहीं करती। ऐसे में भला यही है कि पुरुष झगड़े के बीच कभी स्त्री के परिवार को लेकर ना आए। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करना सम्मान की बात समझते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसे पुरुषों को नपुंसक की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे पुरुष जो मदिरा पान करते हैं, जो स्त्रियों के साथ मारपीट करते हैं,
उन्हें भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, ऐसे पुरुष को नरक में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए महाराज विदुर कहते हैं कि अत्याचारी पुरुष के साथ रहने से अच्छा यह है कि स्त्री ऐसे पुरुष तक तुरंत त्याग दे, कि स्त्री ऐसे पुरुष को तुरंत त्याग दे, क्योंकि ऐसे पुरुष के साथ रहने से स्त्री को हमेशा कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।